नमस्ते इंडिया, मैं हूँ रोहित फ्रॉम रोहित नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। दोस्त देख सकते हैं कि ये मेरा है प्रोटोनर का नया जिम बेंच, जो मैं 4-5 दिन पहले से ही खरीदा हूँ। और मैं आपको इसके बारे में कुछ आज बताऊंगा, कितना अच्छा है, कितना ड्यूरेबिलिटी है, कितना कॉस्ट है, और ये आपके लिए बजट फ्रेंडली है या नहीं, अच्छा है या नहीं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना भी फिटनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के ऊपर है, प्लीज जाकर उसको फॉलो कीजिए। यूट्यूब के अंदर बहुत सारे वीडियो होंगे, मगर आज मैं जो इन्फॉर्मेशन दूंगा, इसके बाद आपको दूसरा वीडियो देखने के लिए नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर चीज में इसको बताऊंगा। कंफर्टेबिलिटी की बात हो, क्वालिटी की बात हो, ड्यूरेबिलिटी की बात हो, वेट लोड कैपेसिटी की बात हो, और इसका क्वालिटी की बात हो, सारे डिटेल्स में हम आज बात करेंगे और देखेंगे कि ये आपके लिए सही है या नहीं। दोस्तों ये जब मुझे फ्लिपकार्ट से और आया है पार्सल, ये ऐसा नहीं था, ये थोड़ा डिसमेंटल होके था। आपको ये असेंबल करना पड़ेगा, बहुत ही रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, थोड़ा सा काम करना है बस। ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये रॉड सेक्शन, ये यहाँ से अलग होगा, ये सेक्शन को आपको जॉइंट करना है। ये जो सेक्शन ये अलग होगा, और ये जो आपको दो पिलर मिल रहे हैं ये अलग होगा। जो सेक्शन है और ये सेक्शन है, इसको आपको यहाँ पे नट दिया गया है, इसको आप असेंबल करना है। ये जो बड़ा वाला सीट है और जो छोटा वाला सीट है, ये आपको भी डिसमेंटल करके दिया गया होगा। तो आपको ये सबको असेंबल करना है, बहुत ही आसान चीज़ है। यहाँ पे सब नट बोल्ट दिया गया है, आप देख सकते हैं, आप इसको घर पे आसानी से स्लाइरेंज या प्लास से भी असेंबल कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। दोस्तों ये देख सकते हैं, दो पिलर दिया गया है, जो स्टेशन है हमारा ये दिया गया है, और इसके ऊपर जो दो गया दिया गया है फ्लेक्सिबल वाला, आपका जो वेट को रेस्ट करने के लिए जो रेस्ट पिलर दिया गया है, और ये है आपका जो सीट है, ये एडजस्टेबल सीट है, इसको आप इंक्लाइन भी कर सकते हैं, फ्लैट भी कर सकते हैं, और डिक्लाइन भी कर सकते हैं। फ्लैट है ये, स्टेशनरी है, बट ये मूवेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट के लिए एक छोटा सा रॉड भी दिया गया है, आप देख सकते हैं, और इसका यहाँ पे भी एक सपोर्ट के लिए दिया गया है रॉड, और यहाँ इसके नीचे आप देख सकते हैं कि रबर का पैडिंग दिया गया है, ठीक है। अगर ये रबर का पैडिंग नहीं देते तो थोड़ा अपने जगह पे फिक्स नहीं रहेगा, वो थोड़ा हिलेगा, तो यहाँ पे भी ये रस्ट लग सकता है। तो यहाँ पे रबर दिया गया है, तो कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक। और वेट को रखने के लिए जो यहाँ पे स्टेशन है, ये भी मूवेबल है। यहाँ पे तीन सा आपको होल मिलेंगे, आप ये एडजस्टेबल है, आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको डिक्लाइन और इंक्लाइन करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा रॉड भी दिया गया है, तो आप निकाल देंगे तो ये बिल्कुल अभी आपका डिक्लाइन हो गया बेंच। अभी ये रॉड को अगर आप ऊपर लगा देंगे तो अभी आपका बेंच जो है वो इंक्लाइन हो गया। दोस्तों पहले बात करते हैं प्राइस। दोस्तों इसका प्राइस मुझे लगभग 2470 के आसपास पड़ा था, ये वेरी कह सकता है, ऑफर के टाइम पे आपको थोड़ा 100 रुपये 200 रुपये कम भी पड़ सकते हैं, मगर प्राइस के रेंज में ये बेंच को अगर रिव्यू करूँगा तो ये एवरेज है। इसको मैं गुड नहीं कहूँगा, ओके नहीं कहूँगा, ये एवरेज है, अच्छा है। अगर एक बिगिनर इससे वर्कआउट कर रहा है तो अच्छा है, ठीक है। नंबर टू कंफर्टेबिलिटी। दोस्तों कंफर्टेबिलिटी की बात करूँ तो दोस्तों मुझे उतना खराब नहीं लगा, ये भी ओके है। मैं कमेंट देख रहा था लोगों का कि वो बोल रहे थे कि भाई ये बहुत हिल रहा है, बहुत अकवार्ड लग रहा है वेट लगाने के से, ऐसा नहीं है। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए मैं इसको हिला रहा हूँ, ये बिल्कुल स्टेबल है। अगर आपका जो फ्लोरिंग का लेवल अगर सही नहीं है तो ये हिलेगा। उसके लिए आप सिंपल सा बात है, आप मार्केट से एक रबर लाके उसके नीचे पैडिंग दे सकते हैं स्टेबल करने के लिए, उसको लेवलिंग करने के लिए। तो ये स्टेबिलिटी के मामले में अच्छा है। तो कंफर्टनेस में मुझे ये थोड़ा अकवर्ड लगा कि इसका जो सीट है, आप देख सकते हैं कि ये सीट बहुत ही नैरो है, तो मैं जब चेस्ट प्रेस लगाया, चेस्ट डंबल फ्लाई लगाया, तो मुझे ये थोड़ा दिक्कत हुआ कि मेरा जो, मुझे लगता था ये जो सीट है ना, इसके सीट का जो विड्थ है वो थोड़ा सा ज़्यादा होने से अच्छा होता, तो ये थोड़ा सा कम है, तो मुझे ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा। जब मैं फ्लाई लगाता हूँ तो कभी कभी मैं इधर हो जाता हूँ, कभी उधर हो जाता हूँ, तो थोड़ा वहाँ पर दिक्कत मिलता है, मगर ऐसा बात नहीं, मैं एडवांस लेवल का हूँ तो मैं इसको मैनेज कर देता हूँ, ये छोटा मोटा को हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, बजट के हिसाब से तो ये मैनेजेबल है। और दोस्तों मुझे इसका एक चीज़ डिसअपॉइंटिंग लगा कि जब मैं वेट को रेस्ट कर रहा हूँ ये स्टेशन के ऊपर, तो ये बहुत ही मतलब हिल रहा है, आप देख सकते हैं, ये देखिए ये, तो ये स्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। ये जो स्टेशन है ना, मूवेबल स्टेशन है, इसको मैं नीचे बिल्कुल नीचे रख देता हूँ, तब ये दिक्कत मुझे नहीं है, आप देख सकते हैं,
ये बिल्कुल स्टेबल है, ये नहीं हिलेगा। तो जब आप इसको उठाएंगे, क्योंकि मैं जब बेंच प्रेस लगा रहा हूँ तो इतना नीचे तो नहीं रख सकता, नहीं तो मैं ऐसे उठाऊंगा, ऐसे लिफ्ट करूंगा, तो थोड़ा सा ऊपर होने से मुझे अच्छा लगेगा, कंफर्ट थोड़ा अच्छा मिलेगा। मैं इसको थोड़ा ऊपर करके रेस्ट करता हूँ वेट को, तो ये बहुत ही हिलता है दोस्तों। जब दोस्तों आप इसको इंक्लाइन करेंगे तो आपका जो सीट है, जो आपका जहाँ पे बैठते हैं वो इंक्लाइन नहीं होगा, वो बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, वो स्टेशनरी है, वो मूवेबल नहीं है, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत यहीं पे भी मिल सकता है दोस्तों। हाँ, और मुझे एक चीज़ लगा कि अगर आप डिक्लाइन पे लगा रहे हैं तो आपको ये भी सेट करना है, तो बार बार इसको खोल के ये नट बोल्टिंग करना थोड़ा मुश्किल है। स्टेबिलिटी के मामले में मुझे सही लगा। और दोस्तों यहाँ पे जो कुशनिंग दिया गया है, जो सीट का कुशनिंग दिया गया, आप देख सकते हैं कितना अच्छा है, मतलब बेस्ट तो नहीं बोलूंगा, गुड नहीं बोलूंगा, अगेन बोलूंगा एवरेज है दोस्तों। क्वालिटी की बात करूंगा, अगेन ये एवरेज क्वालिटी है, ठीक है। यहाँ पे आपको आयरन का जो स्टेशन दिया गया है, ये दोनों बीम आयरन का है, ये भी अच्छा है। इसका इसके ऊपर जो कलर का जो पैडिंग किया गया है वो भी अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। और इससे सबसे अच्छा चीज़ है कि नीचे आप देख सकते हैं रबड़ का दिया गया है, उसका जो ग्रिप करने के लिए हो या चाहे उसको स्टेबिलिटी देने के लिए हो, या रबड़ का पैड नीचे दिया गया है ताकि ये स्टेबल रहे। सीट के मामले में बात करूँ तो सीट ज़्यादा तो मोटा नहीं है, ज़्यादा तो कुशनिंग नहीं है, मगर जितना भी है वो अच्छा है, काम चल जाएगा आपका, ठीक है। तो पैडिंग के मामले में अच्छा है, मगर ये जो सीट है थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो सकता था, क्योंकि ये शायद अगर ओवरवेट वाला कोई आदमी आकर इसको यूज़ करे ये टूट सकता है, मतलब मैं तो 55 केजी का हूँ तो ये चल जाता है एवरेज। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं सीट, इसका पीछे का जो सेक्शन है वो बिल्कुल ख़राब है, पीछे का सेक्शन, इसको जो स्टिचिंग किया गया वो बिल्कुल, मतलब पिन से स्टिचिंग किया गया, ये कभी भी निकल सकता है, ये आपको मैं बोल देना चाहता हूँ। तो इसका ऊपर जो दिया गया है जो मैट, ये क्वालिटी एवरेज है, उतना भी अच्छा नहीं है, ये भी निकल सकता है। तो अगर एक रॉफ आइडिया मैं आपको दूंगा तो ये एक एवरेज एवरेज वाला है, तो इसको लेके आप बहुत दूर का नहीं सोच सकते हैं, ये एक दो साल के लिए सही है, और इसको आप बहुत ही केयरली अगर हैंडल कर रहे हैं तभी ये आपका इतना दिन चलेगा, अगर नहीं कर रहे हैं तो ये टूट भी सकता है, ख़राब भी हो सकता है, इसका जो ऊपर जो मैट है वो भी निकल सकता है। तो एवरेज प्रोडक्ट ये है। नंबर 4, ड्यूरेबिलिटी। दोस्तों ड्यूरेबिलिटी की बात करूं तो ये जो स्टेशन देख रहे हैं ये सही रहेगा, और ये आपका एक दो साल तीन साल तक भी अच्छे से चल जाएगा, अगर आप इससे अच्छे खासा वर्कआउट करते हैं और इसको आप ज़्यादा लोड नहीं दे रहे। देखिए ये जो है ना, ये लाइट वेट कैटेगरी का बेंच है, इसके ऊपर आप अगर 150 kg 200 kg रखेंगे तो ये काम नहीं होगा, ये 100 kg 150 max है, इससे आप ज़्यादा उसको ना लीजिए। इसका जो कलर है वो रस्ट हो सकता है, क्योंकि ये सब आयरन का है, ठीक है, 5-6 महीने के बाद इसको कलरिंग करना है, क्योंकि ये कलर टूट जाएगा, कलर खराब हो जाएगा, मगर इसका जो सबसे पहले खराब होने का चीज़ है वो है इसका सीट, ठीक है। इसका सीट के पीछे आपको मैं दिखा दूंगा, इसका सीट का पीछे बस हल्का सा ऐसे पेपर का कुछ दिया गया है, और इसको पिन से पंच किया गया है, मतलब ये जो पैकिंग है वो खराब है, एक बार ये फट गया सीट तो भाई ये काम गया। फुली इसको हैंडल करना है, इसके ऊपर सीट के ऊपर कभी भी वेट को नहीं रखना है, बार को नहीं रखना है, नहीं तो ये फट भी सकता है। क्वालिटी मैं बोला कि ओके है, ठीक है, क्वालिटी ओके है। नंबर 4 है वेट कैरिंग कैपेसिटी। दोस्तों वेट कैरिंग कैपेसिटी में मैं बात करता हूँ, मेरे पास जितना भी वेट है वो लगभग 60-70 kg का वेट होगा, थोड़ा बहुत मैं इसमें बेंच प्रेस लगा रहा था 60 kg का, 60-65 kg का मेरा जो वेट है, मैं इससे रॉड लगा के वो वर्कआउट करता था, मगर एक चीज़ मैंने नोटिस किया, जब मैं इसके ऊपर 70-80 kg रखता हूँ अगर और वेट को रख के मैं उड़ जाता हूँ ऐसे, तो ये क्या होता है कि ये जो फ्रंट वाला देखते हैं ये जो सीट है ये कभी कभार ऐसे उड़ जाता है, देखिए ये हो जाता है, मतलब वेट उस तरफ ज़्यादा होने से ये ऊपर उड़ जाता है, तो भरोसा नहीं। अगर आप यहाँ पे 150 kg के ऊपर रख लेंगे तो ये गिर भी सकता है, पलट भी सकता है, प्रेस लगा लोगे फिर रॉड को रख के उठ जाके भाई वेट नीचे होगा। इसके अंदर जो भी मटेरियल यूज किया गया है उसको देख के मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर आप 70 kg से ऊपर
का आदमी को ना बैठाएं, ठीक है। अगर आपका वेट 70 केजी है मैक्स, ये मैं मैक्स रेंज बोल रहा हूँ, मैक्सिमम 70 केजी का एक बंदा ही इससे वर्कआउट कर सकता है। अगर ज़्यादा हुआ तो ये टूट सकता है, ख़राब हो सकता है। 100 केजी का ही है, 100 केजी से ऊपर अगर इसको रखेंगे तो मुझे नहीं लगता ये टिक पाएगा, ये गिर जाएगा। तो 100 केजी नहीं रहेगा, 100 केजी तभी रहेगा जब ये जो मूवेबल स्टैंड है वो नीचे होगा, बिल्कुल नीचे होगा तभी ये 100 केजी कैरी कर पाएगा। और ऐसे अगर ऊपर है तो मैक्सिमम से 60 केजी वो लिफ्ट कर पाएगा। नंबर 5, फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता हूँ, जैसे कि बताया कि आपको यहाँ पे कुछ फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे इंक्लाइन कर सकते हैं, बेंच को डिक्लाइन कर सकते हैं, और ये चीज़ को भी आप फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। यहाँ पे 3 होल पंच दिया गया है, आप उस हिसाब से आपका जो वेट को रख सकते हैं। और हाँ, आप कभी भी कहीं शिफ्ट कर रहे हैं तो इसको डिसमेंटल भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। आप कभी भी इसको डिसमेंटल करके आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं और फिर इसको असेंबल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था इसका डिटेल रिव्यू। ये बेंच है, ये एवरेज बेंच है। पैसे अगर आप 2400-2500 दे रहे हैं तो उस हिसाब से आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि घर पे थोड़ा एडवांस लेवल का बेंच लाएंगे, उसके लिए मुझे कमेंट कीजिए, मैं अच्छा बेंच आपको सजेस्ट करूँगा और उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो ये बेंच मेरे लिए सही है, मेरे वेट के हिसाब से सही है, और मेरा इसके ऊपर इतना यूज भी नहीं है, और मैं इसके ऊपर उतना वेट भी रखने वाला नहीं हूँ। बस मेरे बॉडी को थोड़ा पंप करने के लिए, और जब मेरा जिम मिस हो गया तो उसको कंपेंसेट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, पंप करने के लिए इसका इस्तेमाल मैं करूँगा, और यूट्यूब वीडियो के लिए भी इसका इस्तेमाल करूँगा, और आपके लिए भी करूँगा। तो इसके लिए ये बेंच मैंने खरीदा था। और तब तक हेल्दी रहे, फिट रहे, मसल्स ग्रो करते रहिए।